देखिएगा, बहुत ही मजे की बात है, आप सभी से शेयर जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और इस चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी और भी इस तरह की इंपॉर्टेंट सारी वीडियोज आपको आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों, बात यह है कि यूट्यूब पर कई सारे लोग आना चाहते हैं और कई सारे लोग ऑलरेडी हैं, आप सभी देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब पर आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। क्यों? उसी बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि हाँ, मुझे भी यूट्यूब पर चैनल बनाना है। देखिएगा, बनाना है और बन चुका हो चैनल, उन दोनों में काफी फर्क है। और ऐसा भी नहीं कि चैनल आपने बना दिया और कोई वीडियो अपलोड नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं उस चीज का। लेकिन अगर आपको अपने YouTube पर वर्क करना है तो आपको मन में ठानना होगा, आपको पहले दिन से ही आपको एक वीडियो तो अपलोड करना है। समस्या वहां पर आती है जब हम केवल यह सोचते हैं कि मुझे भी क्रिएटर बनना है, मुझे भी YouTube पर काम करना है, लेकिन वे कर नहीं पा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हाँ, मैं आज से करूंगा, कल से करूंगा, एक हफ्ते बाद करूंगा, एक महीने के बाद करूंगा, लेकिन ऐसा सोचते सोचते एक दो बल्कि तीन तीन साल निकल जाते हैं। और तीन साल बाद जब वे देखते हैं कि काफी सारे क्रिएटर्स बहुत आगे बढ़ गए हैं, किसी के 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, किसी के 1 मिलियन, किसी के 1 लाख, या किसी के 50,000-20,000, तो ऐसे में वे सोचते हैं कि अरे काश अगर 2 साल पहले मैंने भी अपना कोई चैनल क्रिएट कर लिया होता तो मेरा भी चैनल थोड़ा बहुत तो ग्रो कर ही गया होता, या थोड़ी बहुत अर्निंग तो हो चुकी होती। लेकिन बाद में सोचने से क्या मतलब है? देखिएगा, अगर आप सोचेंगे कि हाँ, मैं आज से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स को मैंने देखा है जो कि बाद में क्रिएटर्स बने हैं, लेकिन कई सारे लोगों ने इसी में समय निकाल दिए कि मैं हाँ करूंगा, मैं करूंगा, लेकिन वे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो चीज आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आप सभी को पहले से ही कह देता हूं, चाहे आप एक वीडियो अपलोड करें, मंथ में एक वीडियो करें, एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करें, लेकिन कम से कम आपको पहला वीडियो तो अपलोड कर देना चाहिए। चाहे वो आप आज कर सकते हैं, कल करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें। मेरे कहने से आज आप एक वीडियो अपलोड जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप आज की बजाय स्किप करके आप कल डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कल आप उसको आगे के लिए डाल दें। एक वीडियो आपको जरूर अपलोड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पहला वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका दूसरा वीडियो अपलोड नहीं हो सकता। देखिए, आपको YouTube पर वर्क क्यों करना चाहिए, आपको बहुत ही इजी शब्दों में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप अपने आसपास के चारों तरफ के माहौल में आप देख रहे हैं लोग मोबाइल फोन का कितना यूज कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे लोग मोबाइल का अच्छे के लिए यूज कर रहे हो, कुछ लोग सदुपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, कुछ केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पर लगे हैं रील्स स्लाइड करने के लिए, वे एक अपने पसंद की रील को ही सर्च करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि हाँ, ये वीडियो मेरे मतलब की है। 3-4 रील्स स्लाइड कर दें, फिर कोई वीडियो उनके मतलब की आई तो उन्होंने उसे वॉच कर लिया, 10 रील्स स्लाइड करने के बाद देख लिया। लेकिन क्या होता है, इसमें ओनली टाइम वेस्ट हो रहा है। बजाय इसके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम ना चलाएं, फेसबुक ना चलाएं, व्हाट्सएप ना चलाएं, लेकिन मिसयूज की बात यहाँ पर चल रही है। किसी भी प्लेटफॉर्म का यूज केवल अपने इंपॉर्टेंट वर्क के लिए आप करें, बाकी जो समय आप उसमें से बचा सकें उसका समय आप यूट्यूब के लिए दे सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि आप अपने दूसरे काम छोड़ दें। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपना स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, बिजनेसमैन है तो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन टाइम को सेव करना, जो वेस्टेज आपका जो टाइम निकल रहा है उस समय का सदुपयोग करके आपको 10 मिनट का वीडियो, आधा घंटा, 1 घंटा ही लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की वीडियो को शूट करने के लिए। और आपके निच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वीडियो बनाते हैं। हो सकता है आप जिस फील्ड में काम करना चाहें उसका वीडियो जल्दी बन जाए, कुछ बारीकी से अगर आप एडिटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। दिन भर में आप एक वीडियो के लिए समय जरूर निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, अगर आप ऐसा कर पाए तो यकीनन एक समय बाद आप भी काफ़ी सफल यूट्यूबर लोगों की लिस्ट में आने लगेंगे। लेकिन आपको समय का बेहद ख्याल रखना होगा, समय को यहाँ वहाँ नहीं बिताना है। लोग क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं, चौराहों पर खड़े हैं, वहाँ पर गप्पे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, फिजूल की चर्चाएं कर रहे हैं, बेवजह कहीं भी घूम रहे हैं, उस सब में कुछ मतलब नहीं है। उस समय को बचाकर आपको किसी अच्छी जगह लगा देने से वह आपका वक्त जो है कीमती हो जाएगा, वह आपके काम में भी आएगा, अभी भी काम में आएगा और आपके भविष्य में भी काम आएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में आप इस चीज़ को लीजिए। मेरी बात को कहीं से कहीं तक आपको अगर कोई गलत लगी हो तो कृपया माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इसमें से जो भी आपके काम की बात है उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए। जरूरी नहीं आप YouTube पर ही वर्क करें, ये केवल एक एग्जांपल है, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप इन बातों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी आप YouTube पर अगर आना चाहते हैं तो अब ये मत सोचिएगा कि मैं कल से करूंगा। अब से आपको ये करना है कि हाँ, मुझे आज से करना है और अभी से करना है। और मेरी बात अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा।
पहली बार अपने चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।